हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करता है देन प्लीज लाइक माय वीडियो। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे चैनल के वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और उसके साथ आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल का आइकन दिख रहा है, उस बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो बस इतना सा काम करना है आपको। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंप्यूटर के ऐसे बेसिक क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ, वो भी हिंदी में, जो सारे ही एग्जाम जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें आपको पार्ट वन करके पार्ट वाइज आपको एक एक लेवल बाई लेवल मैं कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगी, और वो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मिस मत करिएगा इन क्वेश्चंस को, आप एक एक बार सुनते भी जाते हो तो उससे ही आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस फीड हो जाएंगे। तो चलिए पार्ट वन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वेबसाइट सर्फिंग के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कुकीज, ब्राउजर, वेब वर्ड, याहू। तो आपको ये पता होगा कि जब भी हम इंटरनेट यूज़ करने के लिए अपना लैपटॉप या अपना फ़ोन ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें इंटरनेट यूज़ करने के लिए क्या खोलते हैं? ब्राउज़र ओपन करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट पर वेबसाइट सर्फिंग के लिए जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ब्राउज़र। जैसे आपने ब्राउज़र में ओपेरा मनी, गूगल क्रोम और मोज़िला फायरफॉक्स, ये सारे ब्राउज़र्स हैं जिसके थ्रू ही हम इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक तरह का ब्राउज़र है जिसको आप यूज़ करते हो। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जितने पृष्ठ उपलब्ध होते हैं, पृष्ठ मतलब पेज, जो भी पेज होते हैं उपलब्ध, उनको हम क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पृष्ठ, लिंक पृष्ठ, वेब पृष्ठ, हाइपर लिंक पृष्ठ। तो जो भी पेजेस होते हैं उनको हम वेब पेज बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वेब पेज, और हिंदी में अगर उसको बोलोगे तो बोलेंगे वेब पृष्ठ। तो वही हो गया इसका आंसर, वेब पृष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन से जुड़े कंप्यूटर, और उसके बाद डैश 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 दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तेज चल सकते हैं, ऑनलाइन टास्क कर सकते हैं, सूचना और या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जितने भी लोकली कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं वो सारे कंप्यूटर्स आपस में सूचनाओं को शेयर कर सकते हैं, या फिर जो पेरिफेरल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप उनसे कोई भी इक्विपमेंट, अगर एक लैन से आपने कनेक्ट किया है कोई भी इक्विपमेंट, तो वो सब में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो एक में कनेक्ट करके, एक कंप्यूटर से अगर आपने प्रिंटर कनेक्ट कर दिया और मेन जो सर्वर होता है उससे कनेक्ट कर दिया, तो बाकी जो और भी कंप्यूटर उस लैन से उस लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़े हुए हैं उनसे अगर आप प्रिंट दोगे तो आपका प्रिंट निकल जाएगा। दैट मीन्स क्या होता है कि आप सूचना और पेरिफेरल इक्विपमेंट्स दोनों ही शेयर कर सकते हो उन कंप्यूटर में जो लैन से जुड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किसी यूआरएल में एचटीटीपी वाला हिस्सा होता है। तो कोई भी यूआरएल होता है, यूआरएल पहले बात तो आपको पता होना चाहिए, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप इंटरनेट पे जब ब्राउज़र ओपन करते हो, इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो उसमें सबसे ऊपर आप एक यूआरएल डालते हो, एक एड्रेस डालते हो जिस चीज़ को आपको ओपन करना है, जिस वेबसाइट को, तो उस एड्रेस को ही यूआरएल बोलते हैं। तो उसमें स्टार्टिंग में एचटीटीपी लिखा होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, होस्ट, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल्स और टॉप लेवल डोमेन। तो जो ये होता है, इसका आंसर है आपका प्रोटोकॉल्स। तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं एचटीटीपी का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की सहायता से दुनिया में किसी भी स्थान के कंप्यूटर में वेब पेज को ओपन कंप्यूटर में देखा जा सकता है। मतलब कि आप किसी भी स्थान के कंप्यूटर के वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो किसकी सहायता से? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, www, नेटवर्किंग, हैकिंग या ईमेल आईडी। तो आपको पता होगा, आपने कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करनी होती है तो सबसे पहले उसमें आप क्या लगाते हो, www। पहले तो HTTP होता है, वो आपको लगाना नहीं होता है, वो तो बाई डिफ़ॉल्ट ले लेता है, पर आप जो एड्रेस टाइप करोगे उसमें www टाइप करते हो, तो ये www वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी सहायता से ही आप किसी भी स्थान के कंप्यूटर में वेब पेज को ओपन कंप्यूटर पे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईमेल जो आप करते हो, ईमेल में BCC भी एक ऑप्शन आता है, आप यूज करो या ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तो इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बोल्ड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्रीफ कार्बन कॉपी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल क्या होता है, मतलब आप लोग जो जनरल लैंग्वेज में बोलते हो कि मैंने किसी को ईमेल किया है तो ईमेल होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट आपको आंसर दिया हुआ है कि इंटरनेट के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन। आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी संदेश या फाइल जो है वो ट्रांसमिशन कर रहे हो, मतलब शेयर कर रहे हो, भेज रहे हो, तो इस ही प्रोसेस में जो आप यूज करते हो उसको बोलते हैं ईमेल। ठीक है, तो ईमेल के थ्रू ही आप संदेश भेज सकते हो, फाइलें भेज सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होता है। तो ये थोड़ा सा लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है, पर ये बेसिकली पूछा जाता है कि कोई भी आईपी एड्रेस होता है किसी भी कंप्यूटर का, तो वो कितने क्लासेस में विभाजित होता है। उसमें क्लासेस होती है, वो चार क्लासेस में विभाजित होता है, चार पार्ट में होता है आपका आईपी एड्रेस। आप हमेशा गौर करना, हर पार्ट के बाद एक डॉट लगा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज बनाया जाता है। अब जो वेब पेज बनाया जाता है, जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कोई पेज यूज करते हो उसको वेब पेज बोलते हैं, वो किस लैंग्वेज का यूज करके बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ है HTML, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके वेब पेज बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुकीज कहाँ स्टोर होती हैं। तो कुकीज आपकी क्लाइंट साइड पर स्टोर होती हैं। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली बस एक बार याद कर लो कि हाँ, कुकीज क्लाइंट साइड पर स्टोर होती हैं। बाकी आपको ज़्यादा इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है अगर आपको समझने में जाते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से सर्च इंजन कौन सा है। अगर आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटरनेट, नेटस्केप, नेविगेटर, मोजैक और गूगल, तो आपको सर्च इंजन के आपने नाम सुने ही होंगे, जैसे गूगल है, विकिपीडिया है, तो ये सारे क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। तो उसी तरह इसमें भी कौन सा ऑप्शन है, गूगल आपका सर्च इंजन है, जिस पर आप जो भी ऑप्शन डालोगे, जो भी आप क्वेश्चन डालते हो सर्च करने के लिए, वो आपका सर्च होकर उसका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, जंक ईमेल किसको कहते हैं। ठीक है ना, जंक जो ईमेल होता है वो किसको बोलते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पैम, स्पूक, स्निफर स्क्रिप्ट और स्पूल। तो स्पैम जो होता है वो होता है आपका जंक ईमेल। आपके पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, पर उसमें से कुछ ईमेल्स जो होते हैं वो आपके इनबॉक्स में स्टोर होते हैं और कुछ आपके स्पैम में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो उसको पता है कि ब्राउजर को कि हाँ, ये चीज़ें, मतलब ये वाला ईमेल जंक ईमेल है, तो वो उसको डायरेक्टली स्पैम में स्टोर कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ISP का पूरा नाम क्या है। आपने कंप्यूटर में, इंटरनेट की दुनिया में ISP वर्ड सुना होगा, तो ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने फैल जाता है उसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऐसे कोई प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर के डेटा को नष्ट कर सकता है और दूसरे कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट कर सकता है, तो वो फैल जाता है दूसरे से आपके में, उसको बोलते हैं वायरस। वायरस के थ्रू आपके सिस्टम पर, कंप्यूटर पर जो भी प्रोग्राम्स, डेटा सेव है वो पूरा इन्फेक्ट कर सकता है। हो सकता है कि वो सारा आपका ऐसे वर्जन में, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जिससे आप वो डेटा एक्सेस ही ना कर पाओ, तो ये काम होता है वायरस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, MPEG का फुल फॉर्म क्या है। आपने MPEG कंप्यूटर में वर्ड्स सुना होगा, ये एक्सटेंशन यूज होता है पिक्चर्स के लिए। ठीक है, इमेजेस के लिए, तो इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल, वॉइस सिग्नल और डेटा एक साथ भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। मतलब जिस प्रोसेस से आप वीडियो सिग्नल, वॉइस सिग्नल और डेटा सब एक साथ भेज सकते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल तो सबने ही यूज की होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके थ्रू आप किसी से देखकर, चेहरा देखकर उससे बात कर सकते हो। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप वॉइस भी ट्रांसफर हो रही है और इमेज भी ट्रांसफर हो रही है, सब कुछ एक साथ ट्रांसफर हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर व नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को क्या कहते हैं। ठीक है ना, आपके कंप्यूटर पे जो डेटा है वो कोई और अनाधिकृत रूप से यूज कर रहा है, और कंप्यूटर से, नेटवर्क संसाधन से जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं,
वो कोई किसी का अधिकार नहीं है, वो अनाधिकृत रूप से यूज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हैकिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फायरवॉल आपने वर्ड सुना होगा, फायरवॉल का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो फायरवॉल का जो काम होता है वो होता है आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को हैकर्स से बचाना। ये लोग हैकिंग करते हैं और आपके कंप्यूटर का डेटा अनऑथराइज्ड रूप से, अनाधिकृत रूप से यूज करते हैं, उससे बचाने के लिए फायरवॉल यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब होती है? ठीक है, कंप्यूटर में आपको पता है प्रोसेसर होता है, जिसको आप सीपीयू भी बोलते हो। तो सीपीयू के सबसे करीब कौन सी मेमोरी होती है? तो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखिए, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी और टैप मेमोरी। तो इसका आंसर है आपका मेन मेमोरी। मेन मेमोरी आपके सीपीयू के सबसे करीब होती है, सबसे पहले वो डेटा एक्सेस करता है, तो वो मेन मेमोरी से ही डेटा यूज करता है सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? स्टोर करने के लिए सबसे बड़ी यूनिट जो है, इसमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है। जीबी होता है गीगाबाइट, केबी होता है किलोबाइट, एमबी होता है मेगाबाइट और टीबी होता है टेराबाइट। तो इसमें सबसे ज्यादा जो स्टोरेज की मेमोरी होती है वो होती है टीबी, टेराबाइट। ठीक है, ये आपके टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पार्ट वन में दिए हैं, और इसी तरह से मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी जिसमें मैं बेसिक क्वेश्चंस लाती रहूंगी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जिनमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, सब में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप देखते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।